जाइए तैयार, कर लीजिए अपनी जेब ढीली, क्योंकि ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर का दमदार ट्रेलर आउट होते ही अब फिल्म की एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट होने वाली है। फाइटर की एडवांस बुकिंग को लेकर जबरदस्त खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की रिलीज में भले ही अभी एक हफ्ते का समय बचा हो, लेकिन अब भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू करने की प्लानिंग कर ली गई है। दरअसल ऋतिक दीपिका स्टार और फाइटर की एडवांस बुकिंग शनिवार 20 जनवरी से शुरू होगी। हाँ, रिलीज से 5 दिन पहले फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि मेकर्स ने प्लानिंग कर ली है कि पूरे भारत में फाइटर को रिलीज के 5 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग के कपाट खोल दिए जाएंगे, ताकि दर्शक फर्स्ट डे फर्स्ट शो को घर बैठे बुक करवा सके। इसी के साथ फिल्म मेकर और क्रिटिक्स को उम्मीद है कि फिल्म पहले दिन लगभग 35 से 38 करोड़ की बड़ी कमाई कर सकती है और वीकेंड में भारी कमाई भी कर सकती है, क्योंकि इसमें रिपब्लिक डे के नेशनल हॉलीडे समेत 4 दिन की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर का रन टाइम भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म 2 घंटे 46 मिनट 33 सेकंड यानी कि 166.35 मिनट की होगी। शानदार ट्रेलर के बाद फिल्म काफी चर्चा में है, क्योंकि ऋतिक रोशन के फिल्म फाइटर के ट्रेलर ने अपने रिलीज के बाद ही आतंक मचा दिया था। इस ट्रेलर के रिलीज के 24 घंटे बाद ही इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए थे, और तो और इसके ट्रेलर को मिलियंस में व्यूज भी मिल गए थे, जिसको देखने के बाद तो एक बात तय हो गई है कि फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच में क्रेज और बस तगड़ा है। कुल मिलाकर इस गणतंत्र दिवस पर कोई भी सिद्धार्थ आनंद पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देने का भरोसा आराम से कर सकता है। उन्होंने पिछले साल शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ बड़ा प्रदर्शन किया था। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 20 जनवरी को जब फाइटर के एडवांस बुकिंग ओपन होंगे, तब किस लेवल पर फिल्म की टिकट सोल्ड आउट होती है, और सिर्फ एडवांस बुकिंग से टिकट बेचकर फाइटर कितना कलेक्शन करती है, और पहले दिन पर फिल्म की कमाई कितनी बम्पर होगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और आप बताइए, फिल्म फाइटर की एडवांस बुकिंग के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं?